नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि अपन किसकी बात करने वाले हैं। अपन बात करेंगे लेट्स क्रैक सीयूईटी पीजी 2023, कोड है PGQP27। यानी अपन बात करने वाले हैं एमएससी मैथमेटिक्स के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, अल्ट्रा स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है और एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी करने का क्या मतलब, आपको पढ़ना कैसे है। अभी आपको पता होगा कि सबके पास आपकी ऐसे अगर एक चीज़ सोच के देखा जाए कि कोई बोले कि लीनियर अलजेब्रा कहाँ से पढ़ना है, तो लीनियर अलजेब्रा की आपकी जो ग्रेजुएशन की बुक है पूरा पेपर तो उसी से आना है, उसके बाहर कुछ नहीं जाना। कोई भी बुक किसी भी सब्जेक्ट की होगी उससे बाहर कुछ नहीं आता है, सब कुछ वो कवर करते हैं। पर आप पूरी बुक पढ़ेंगे तो ऐसे एक बुक भी नहीं कवर कर पाएंगे। तो इसलिए किस हिसाब से अपन को पढ़ना है कि अपनी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि एग्जाम तक अपन को सारी चीज़ें याद भी रहें, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आपको चीज़ें लिखी भी मिले तो आप खुद कर भी पाओ और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ। और दो चीज़ें आपको ध्यान ये देना कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो NTA का है वो CUET का एग्ज़ाम करवाता है, तो उन्होंने बोला कि वो 1 से 10 जून के बीच में है NTA का वो CUET का एग्ज़ाम करवाएगा। और अभी सारा सिस्टम टाइम पे चल भी रहा है, आपने देखा होगा कि UG का जो शेड्यूल उन्होंने बताया था उसी पे उनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए थे, और बाकी जैसे जामिया का वो भी टाइम पे स्टार्ट हो गया। इस बार वो लोग लेट नहीं करने वाले, तभी इतना पहले उन्होंने क्या कर दिया। देखो आप देखो कि नवंबर दिसंबर में उन्होंने बोल दिया कि एग्जाम कब होगा, इतना पहले बता दिया, और लास्ट टाइम तक क्या ये सिस्टम लेट चलता रहता था। तो अभी आपके पास 3 मंथ है, 3 मंथ यानी कि 90 डेज का टाइम है जो कि सफिशियंट टाइम है। अगर अभी आप किंतु परंतु कुछ सोच रहे हैं कि मैं करूं कि नहीं करूं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उस सब चीज़ों को छोड़ के अभी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए कार्यक्रम। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, PY की सोल्यूशन कैसे करने हैं आपको, और अभी आपको तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, रिविजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और क्वेश्चन आते कैसे हैं, आएंगे कहाँ से, ये सारे डाउट अपन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम के सर्च बार में जाके @exponentialmathematics सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो ये तो अपन बेसिक बैकग्राउंड की बात होगी, अपन को क्या करना है अभी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी आपके पास सफिशियंट टाइम है तो अभी आप आराम से तैयारी शांति से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बट आपको कम से कम 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए पूरा सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर 3 बार। और रिवीजन करना कैसे, तो सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरों की बनाई हुई चीज़ें आपका काम चला सकती हैं, मेहनत आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात की रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट बात करें तो सिलेबस और PYQ। अब तक आई होप आप सब लोगों के पास सिलेबस होगा और PYQ भी मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो @exponentialmathematics या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है उसमें आपको सारे PYQ मिल जाएंगे और कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। हो सके तो उसका प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि वैसे तो एग्जाम ऑनलाइन होगा तो आपके पास अगर PDF है तब भी काम चल जाएगा, बट प्रिंट निकालोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पूरा सिलेबस और PYQ। अब क्या करना है, आपको पूरा सिलेबस देखिए आप, और आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा, जैसे मान लो कि अपन मैथ्स पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको ऐसा लगता है ना कि यार ये बुक तो मेरी फेवरेट है, ये तो मेरे ये सब्जेक्ट तो मेरे को अच्छा लगता है। किसी को रियल एनालिसिस अच्छा लगता है, किसी को ग्रुप थ्योरी अच्छा लगता है, किसी को लिनियर अलजेब्रा लगता है, किसी को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लगता है, किसी को वेक्टर कैलकुलस लगता है, किसी को ODPD अच्छी लगती है, तो आपको ये तो लगता होगा ना कि यार ये सिलेबस तो मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मेरे को आता है। तो सबसे पहला काम क्या कि आप उस टॉपिक के PY को देखो, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आइडिया लगाओ कि हाँ आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या ऐसा हो सकता है कि यार इस टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है, यहाँ पे आप स्टक कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप एक बार नोटबुक से देख लो। ऐसे 1 या 2 टॉपिक तो होंगे एटलीस्ट, क्योंकि आपके CUET का जो सिलेबस है वो अपन अभी देखेंगे, उसमें 7-8 मोटी मोटी यूनिट है, तो उस यूनिट में से 1-2 यूनिट तो आपको ऐसे लगेगी कि यार ये तो मेरे को आ ही रही है, तो उस यूनिट को आप सबसे पहले कर लें। ये ऐसे सोच लें कि चलो एक बार उसकी PYQ देखने के बाद उसको छोड़ सकते हैं कि हाँ चलो ये तो मेरे को आता है। फिर आप ये देखें कि कौन सा पार्ट ऐसा जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आप ऐसे बोलो कि भाई इसमें तो बहुत डर लगता है, इसमें तो पार नहीं पड़ेगी अपने को, यहाँ तो 12 बज रखी है अपने, फिर भी उसके PYQ देख के ये आइडिया लगाएं कि उस टॉपिक से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। अगर मान लो 4-5 क्वेश्चन आ रहे तो उसको छोड़ दो, आप कोई ज़रूरी नहीं है छोड़ दो, हो सकता है उसके 10-12 क्वेश्चन आ रहे हो, तो आपको उस पर काम करने की जरूरत है। कि काम इस प्रकार से करना है कि एटलीस्ट जो ईजी क्वेश्चन है वो तो आप ईजिली कर पाओ, क्योंकि जो क्वेश्चन ईजी होगा वो सिलेबस को आप थोड़ा सा पढ़ लोगे उसी से आपका काम चल जाएगा। तो ये दो चीज़ तो आपको कहाँ से आइडिया लगेगी, ये आपको सिलेबस से लगेगा और PYQ। तो ये तो क्या होगी, सिलेबस और PYQ की इंपॉर्टेंस है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इतना काम तो आपको सबसे पहले करना है। जब आप PYQ देखोगे और सिलेबस देखोगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न पेपर का पैटर्न और मार्किंग स्कीम क्या है। तो पेपर का पैटर्न की बात करते हैं तो आपका 2 आवर का पेपर होता है, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 100 क्वेश्चन 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, 25 और 75। इसको अपन पार्ट ए बोलते हैं और ये अपना है पार्ट बी। तो ये तो 100 नंबर का होता है और ये 300 नंबर का होता है, यानी कि 25 × 4 और यहाँ पे भी 4। अगर कोई क्वेश्चन रहूँगा तो उसके नेगेटिव मार्किंग 1। अब कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सिर्फ पार्ट बी को कंसीडर करती है, जैसे JNU है वो सिर्फ पार्ट बी को ही कंसीडर करेगी। अभी DU का नोटिफिकेशन आया नहीं है, आ जाएगा तो पता चल जाएगा वो दोनों को कंसीडर करते हैं या एक को करते हैं, वो बाद की बात है। अब बहुत से लोगों के मन में कीड़ा यही है कि सर पार्ट ए कहाँ से पढ़े, पार्ट ए से कहाँ से पढ़े। तो एक बार पार्ट ए को आप साइड में रखो, अभी पार्ट ए की बात करनी ही नहीं अपने को,
क्योंकि अपन ऐसी स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी अपने पे कि आप 25 में से 10 क्वेश्चन इजीली कर दोगे, 40 नंबर आपके जुगाड़ हो जाएंगे। और दो घंटे के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट भी तो करना है, क्योंकि आप कहीं पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसमें आपने 25 क्वेश्चन करने के लिए आपने 40 मिनट लगा दिए, तो आपके पास टाइम तो बहुत कम बचा पीछे। अब जो पीछे 1 घंटा 20 मिनट ही बचे तो उसमें आपको 75 क्वेश्चन करने, जो कि हायर मैथमेटिक्स के हैं, कोई एसएससी लेवल के जो चाल दूरी समय वाले क्वेश्चन तो है नहीं। यहाँ पे इसमें लीनियर भी आता है, कॉम्प्लेक्स भी आता है, ग्रुप थ्योरी भी आती है, रियल भी आता है, तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे भी आएंगे और कुछ ईजी भी आएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोला कि वो टॉपिक जरूर देखें जो ईजी है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि आपको कुछ हलवा जैसे क्वेश्चन मिलेंगे जैसे टिक मारना है, तो वो सब आइडिया कहाँ से लगेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और आपका जो सिलेबस है वहाँ से देख के आइडिया लगा सकते हो। तो पेपर पैटर्न पता चलेगा कि दो पार्ट होंगे और मार्किंग स्कीम है कि करेक्ट करने पे 4 मिलते हैं, नेगेटिव करने पे माइनस का 1 आपका हो जाएगा। तो दो घंटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास 100 क्वेश्चन है और मिनट है 120 मिनट, तो ये खेल है ना सबसे ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि भले आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज लें या किसी और की टेस्ट सीरीज लें, कहीं से भी लें, बट आप एटलीस्ट 2-3 टेस्ट तो ज़रूर देके जाएं। और इसीलिए अपन ने क्या कर रखा है अपने चैनल पर एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे, जो भी टॉपिक पूरा होता है उस पर अपन ने टाइमर लगा के क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आपको ऐसे लगे कि हाँ इतनी देर में क्वेश्चन होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको एज ए टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे ऐप के ऊपर, आपको एज ए टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। तो आपको, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सोच रहे हो कि 2 घंटे का पेपर है, तो आपको एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें आपसे 20 मिनट बचने इसलिए चाहिए क्योंकि सारे क्वेश्चन देख रखे हैं आपने, सोल्व कर रखे हैं, फिर आप एज ए प्रैक्टिस करें तो आपके 20 मिनट बचने चाहिए। इस हिसाब से आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी करनी है। अब ये तो बात होगी भैया कि पेपर पैटर्न कैसे कैसे, अब बात ये थी कि अपन पढ़े कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें, मैटर कहाँ से पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये ना पढ़ना कहाँ से। अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे पढ़ना कहाँ से। तो सिलेबस में जैसे मैंने बता दिया कि पार्ट ए में क्या आता है, कंसिस्ट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड विल इंक्लूड इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स। इसलिए मैंने बोला था कि इसको साइड में रखना, क्योंकि यहाँ पे कुछ फिक्स ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब इंक्लूड इंग्लिश लिख दिया, जनरल अवेयरनेस लिख दिया, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल स्किल, अब भाई ये खुद अपने आप में इंग्लिश में क्या है, पूरा सिलेबस को मेंशन तो करा नहीं कि किस कहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो पूरी इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड अवेयरनेस में भी कुछ मेंशन नहीं करा कि करंट का आएगा कि कहाँ से आएगा। तो इसलिए इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, इसमें आप इजीली 10 क्वेश्चन का टारगेट रखो कि आपके 10 क्वेश्चन होने चाहिए। बस बात ही ध्यान रखना कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं होने चाहिए, अगर यहाँ नेगेटिव हो गए तो ये तो आपके पार्ट बी वालों से कटेंगे। और इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंक्लूड है, MMSE मैथमेटिक्स, CU राजस्थान, और ये तो क्या है अपडेट हो जाएगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इनके अलावा और भी इंक्लूड है, जैसे इसमें JNU नहीं लिखा है, अभी DU भी आएगा तो ये तो और इंक्लूड हो जाएगी इसमें। बट पार्ट ए का सिलेबस इतना लिखा है तो ये खुद भी चाहते हैं कि आप बस इसको कॉमन सेंस से या आपके जो दिमाग से जितना हो सके उतना ही करो, बाकी इस पर फोकस मत करो। अब बात करते हैं अपना मेन जो सिलेबस है पार्ट बी की, सिलेबस ऑफ CUT PGQ P27 पार्ट बी। सबसे पहले लिखा है एलजेब्रा, एलजेब्रा में उन्होंने लीनियर एलजेब्रा और अब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा दोनों को शामिल करा है, जैसे ग्रुप, सब ग्रुप, आबेलियन ग्रुप, नॉन आबेलियन ग्रुप, साइक्लिक। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, लिंक है, इसमें हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक है, अगर आप एक पार्ट पढ़ोगे दूसरा पढ़ना ही पड़ेगा। अब रिंग, सब रिंग, आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, फील्ड, क्वेश्चन फील्ड। अब जहाँ तक क्या होता है कि आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, यहाँ से आपको कोई भी दे देगा पूछेगा इसकी कितनी मैक्सिमल आइडियल है, कितनी प्राइम आइडियल है, कितनी, तो ये वाला पार्ट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बन जाता है। और रिंग सब रिंग आना जरूरी है तभी आप इस पे जा पाओगे, और जब ये आएगा तभी आप फील्ड पे जा पाओगे। अगर कोई फील्ड होती है तो अपन बता देंगे उसकी मैक्सिमल आइडियल कितनी है, उसकी प्राइम आइडियल कितनी है। और क्वेश्चन फील्ड की मदद से क्या करते हैं अपन, रिंग होमोमोरफिज्म थ्योरम का यूज करते हैं, हालांकि यहाँ पे थ्योरम लिखा नहीं है रिंग होमोमोरफिज्म थ्योरम, बट क्वेश्चन फील्ड के लिए अपन इन चीज़ों का यूज करेंगे। तो ये क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, बट अगर आप इसको देखोगे तो 20-30 पेज के शॉर्ट नोट्स हैं और उसमें क्वेश्चन भी इंक्लूड है, तो वो कर लोगे तो वो भी सफिशियंट काम है। अब बात करते हैं ग्रुप थ्योरी की। अब ग्रुप थ्योरी में भैया पूरा का पूरा सिस्टम, इसमें ग्रुप होमोमोरफिज्म भी इंक्लूड कर दिया एंड क्वेश्चन ग्रुप भी इंक्लूड कर दिया, लैग्रैंज थ्योरम भी है और प्रोमोटेशन ग्रुप, तो पूरा थोड़ा सा वाइड सिलेबस है। बट अपने ऐप पे एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे ग्रुप थ्योरी को इस प्रकार से कवर करा कि वो 15 क्लासेज है, 15 क्लासेज में पूरा ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। उसमें अपन ने यही ध्यान रखा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा ग्रुप थ्योरी आपने देखा होगा कि आप कुछ यूनिवर्सिटी में तो 2 सेमेस्टर में चलते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में पूरे 1 साल पढ़ते हो आप तब जाके ग्रुप थ्योरी आपका कंप्लीट होता है। और अभी अपने पास तो पूरा टाइम ही 3 महीने का बच्चा, इसमें बाकी सिलेबस भी कवर करना है। तो इसमें 15 क्लासेज में क्या है कि वो पूरा सिलेबस इस प्रकार से कवर है, उसमें मोस्टली क्वेश्चन है जो कहाँ से पूछे गए वो चीज़ नोटिस करी हुई है, और कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो कवर करा गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, PYQ सॉल्यूशन। तो PYQ सॉल्यूशन क्या बैकबोन है पूरे MS एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कि आपको PYQ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये कोई ऐसा एग्जाम भी नहीं है कि आप क्रैक नहीं कर सकते, इजीली क्रैक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी पेपर आता है। बस थोड़ा सा खेल किसका है, आपको टाइम मैनेजमेंट का और नेगेटिव मार्किंग से बचना है। आपको काम सारा का सारा सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, गाइडेंस जो चाहिए वो पूरी आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स से मिल जाएगी, कोई कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं अपन वेक्टर स्पेस वाले सिलेबस की। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे केले हैमिल्टन थ्योरम ने स्पेशली मेंशन करा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है,
और इन्होंने यहाँ से स्पेशली मेंशन करा कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंसी इन कंडीशन। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक यही चल रहा है, बाकी ये वाला सिलेबस अपन ने पूरा कवर कर लिया। इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे लिख दिया मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्डर्ड बेसिस। और इस बार का 2022 का पेपर है उसमें इन्होंने डायमेंशन बेसिस क्वेश्चन पूछे, 2021 में इन्होंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन पूछे। तो जो टॉपिक स्पेशली मेंशन और जो फेमस टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे इसमें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया, रैंक नलिटी थ्योरम होगी, केले हैमिल्टन थ्योरम होगी, और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, हर्मिशियन और स्क्यू-हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। और इस बार एक क्वेश्चन आया था उसमें सिमिलर मैट्रिक्स का क्वेश्चन भी 2022 में उन्होंने पूछा है, सिमिलर मैट्रिसेज। हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं करा सिमिलर मैट्रिसेज, पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये तो क्या की पॉइंट, आप बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो पर इन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर करो। अभी आप बोलोगे सर ये तो हम पढ़ लेंगे पर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भैया एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे आपको हर टॉपिक के टॉपिक वाइज असाइनमेंट है और उसमें आपको टाइमर लगा के सारे क्वेश्चन दे रखे, तो वो भी आप प्रैक्टिस जरूर करें। अब आगे बात करते हैं रियल एनालिसिस, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बैकबोन इसको बोलो कि ये अपने आप में एक पहचान रखता है, पहचान इन द सेंस यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं आउट ऑफ 75, 20 क्वेश्चन यहाँ से इस पूरे सिलेबस से आते हैं। जैसे फंक्शन ऑफ टू रियल वेरिएबल, तो यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन रहते हैं। ये वाला पार्ट पॉइंट सेट टोपोलॉजी है, पॉइंट सेट टोपोलॉजी आपको फ्री में यूट्यूब पे एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे 11 वीडियो लेक्चर हैं और उन 11 वीडियो लेक्चर में साथ में क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। अगर वो कर लेते हो फिर आप PYQ देखना, ये जो सिलेबस लिखा है वो पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट नहीं आएगा। वो 11 क्वेश्चन देख लो, आपका वीडियो देख लो, आपका सारा काम इस टॉपिक को पूरा हो जाएगा। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंस रोल थ्योरम। अब देखो यहाँ पे इस थ्योरम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोसी टेलर थ्योरम। अब ये क्या कि कोसी टेलर थ्योरम का मतलब ये एक्सपेंशन है, इसमें डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, 2 बार आ चुका है, 2020 में भी आ चुका है, 2021 में भी आ चुका है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो वो रिजल्ट है। और रोल थ्योरम ये भी रिजल्ट है, तो इसका मतलब कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक बेस का काम यहाँ पे। ये वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया कहाँ से करना है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, इसमें वो डेरिवेटिव का पूछ लेता है या डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक बार पूछ लेता है, लैग्रांज मल्टीप्लायर भी लिखा, पूरा सिलेबस लिखा हालांकि। और इस बार जो क्वेश्चन आया था इंक्लूडिंग आयलर थ्योरम, तो आयलर थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और अब बाकी यहाँ पे बात करते हैं, तो देखो सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या होता है कि क्वेश्चन के कोई फिक्स नहीं होता कि सीक्वेंस से क्वेश्चन आएगा तो वो कहाँ से आएगा, कोई फिक्स नहीं है इसमें। और इन्होंने क्या कर दिया, काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी को मेंशन नहीं कराया, तो आपकी काउंटेबिलिटी वाला चैप्टर इसमें नहीं है क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज लिखा है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, बाउंडेड एंड मोनोटोनिसिटी, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया, सीक्वेंस, तो मतलब बात है कि कोशिश सीक्वेंस के अराउंड पूरा मामला चल रहा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करी है, तो वो वाला आपको पार्ट छोड़ देना है। अब तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें सीक्वेंस का कोई भरोसा नहीं है और सीरीज का कोई भरोसा नहीं है, इसको अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। इसमें भी क्या होता है रियल थोड़ा सा क्या अप्लाइड और प्रैक्टिकल दोनों सा ही मामला है। मामला ये कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपको पता चल गया कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है और डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, सब सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, पर आप जैसे क्वेश्चन करने के आपको पता नहीं चल पा रहा कि कोशिश सीक्वेंस इसमें कैसे लगाएंगे, कोशिश क्राइटेरिया कैसे लगाएंगे, लेबनीज टेस्ट है वो कन्वर्जेंस का कैसे यूज करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज कैसे यूज चेक करेंगे, या फिर जो अपन जो टेस्ट के लिए रेशियो टेस्ट लगाते हैं, बाकी टेस्ट लगाते हैं वो लगाएंगे कैसे। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन होने चाहिए, यानी कि आपको PYQ सॉल्यूशन तो करना ही करना है और हर टॉपिक पे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन, यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी ही करनी है क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड सिलेबस है और आप देखो पूरे एग्जाम में बैठे सकते हैं। अगर किसी को रियल अच्छी आती है तो उसके लिए फायदे वाली बात है, अगर किसी को नहीं आती है तो भैया इस पे काम करना पड़ेगा आपको क्योंकि ये 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है आउट ऑफ 75, तो मोर देन 25% है, तो ये तो आपको मतलब करना ही पड़ेगा, लगभग 25% के अराउंड मैटर करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, सिलेबस भी बड़ा है, तो ये पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते, इसको आपको करना ही पड़ेगा। तो इसको आप क्या करें, सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की बुक देखें, वहाँ से जो पार्ट आपको लगता है इजी है वो कवर करें, PYQ सॉल्यूशन देखें, और उसके बाद आपको डाउट रहता है तो फिर आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स की ओर जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब ये देखो कुछ लोगों ने IIT का पेपर दिया है तो उन्होंने इस सिलेबस में वहाँ पे नहीं था, ये ऐसा पार्ट है कि ऐसा बोल सकते हैं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा इजी भी है, सारी चीज़ें हैं। सॉरी इंटरेस्टिंग इसलिए कि इसमें जो सिलेबस का फिक्स है, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सिंगुलैरिटी मेंशन नहीं करी है, बट आप देखेंगे 2022 में लगभग 4 क्वेश्चन है वो सिंगुलैरिटी वाले पार्ट से पूछे गए थे, जबकि मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया तो उसमें बोला भी था सिंगुलैरिटी पर, स्टूडेंट से बोला कि सर सिलेबस में लिखा तो अपने पढ़ाया नहीं, तो सिंगुलैरिटी सिलेबस में है, तो इस मतलब सिलेबस में है इन द सेंस पेपर से सिलेबस में, पर यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट इसको अपन 2 क्लास में इस प्रकार से कवर कर लेंगे कि इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका कहीं नहीं जाने वाला। अब इन्होंने साफ साफ लिख दिया मोरेरा थ्योरम, लोवेल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, हार्मोनिक फंक्शन, तो हार्मोनिक फंक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे, गॉसेट थ्योरम, कोसी थ्योरम, कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंपली कनेक्टेड इंडेक्स, ये वाला पार्ट थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, अगर इसको आप स्किप करो तो करो, तो इसके बिना भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ के प्रॉपर लाइन इंटीग्रल बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, पावर सीरीज एंड एनालिटिक फंक्शन का आएगा, और एनालिटिसिटी चेक करने का क्वेश्चन तो 100 आएगा, और कोसी रीमान क्वेश्चन तो देखो आपको पता ही कि बैकबोन ही एक तरीके से। तो ये जो पहले वाला पार्ट है लगभग 2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जाते हैं, 2 यहाँ से पूछे जाते हैं, और एक यहाँ मतलब लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से
फंडामेंटल थ्योरम, इम्प्रॉपर इंटीग्रल और ये कोसी रीमान इक्वेशन है और एनालिटिसिटी वाला पार्ट है। तो ये बहुत ही पूरा ऐसे बोलने का मतलब है कि पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 × 4 लगभग 30 मार्क्स का कार्यक्रम आपका स्टार्ट होने वाला है यहाँ से, और बहुत ही ईजी है, ज़्यादा टाइम नहीं करेगा। आप पुराने पेपर देखोगे तो वो क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे, तो इसलिए इस पार्ट को आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मेरे को नई चीज़ पढ़नी है तो इसको ज़रूर पढ़ें, सबसे पहले इसको आप पढ़ें। अब आगे बात करते हैं, अब आगे वाला जो भी पार्ट है वो सबसे ईजीएस्ट पार्ट है। इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी की भी कोई जरूरत नहीं होती, आप भले यूजी में कैसी भी बुक हो, घटिया से घटिया बुक भी अगर आपने पढ़ी है उस बुक को ही देखना और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेना। आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा अगर आपने यूजी में जो भी बुक पढ़ी है उस बुक को देखते हुए अगर ये क्वेश्चन ये वाला सिलेबस कवर करते हुए उस बुक से और पीवाई के सोल्यूशन, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्योंकि ऐसा इसमें कोई टॉपिक मेंशन नहीं करा जो कि बहुत टफ हो और आपको नहीं आता, आपकी यूजी की कैसी भी बुक हो उसी से पढ़ना आपको ये, और कहीं नहीं जाना। सेम कहानी इंटीग्रल कैलकुलस के लिए। देखो इंटीग्रल कैलकुलस में इनवर्स प्रोसेस और डिफरेंशिएशन, डेफिनेट डबल ट्रिपल बीटा गामा फंक्शन का नॉर्मल सा यूज करा इसमें, तो चेंज ऑफ ऑर्डर इसमें कहीं ना कहीं देखो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, तो वो वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन में आती है। तो इस पार्ट को आप एक बार छोड़ सकते हो। इसके पार्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 आ जाएंगे, 2 से ज्यादा तो आने नहीं है इस वाले पार्ट से यहाँ से, तो भैया इसको एक बार स्किप कर दो, इसके पहले वाला तो कवर करो कम से कम आप। तो डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रल, अब सरफेस एरिया, आपको लगता है कि जैसे ये वाला पार्ट इजी है, इसमें से टोटल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसके लिए भी आपकी जो यूजी की बुक है वो, इसके लिए भी आपकी जो यूजी की बुक है वहाँ से पढ़ना है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बता दिया कि अब हमारा जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ऐप है उस पर सिस्टम यही है कि जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उस पर लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा। तो आपका ये जो पढ़ने वाला पार्ट है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, पीवाई के सोल्यूशन तो करना ही करना है, उसके अलावा साथ में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसका भी आइडिया आपको मिल गया। अब बात करते हैं वेक्टर कैलकुलस। अब देखो वेक्टर कैलकुलस में तो 4 चीज़ें हैं टोटल, 3 तो थ्योरम है यहाँ पे और एक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव और एक है प्रोजेक्शन, इसके अलावा कुछ भी सिलेबस में नहीं लिखा है। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लासियन। अब स्केलर लाइन इंटीग्रल इंपॉर्टेंट है, वेक्टर लाइन इंटीग्रल, स्केलर सरफेस इंटीग्रल, वेक्टर सरफेस इंटीग्रल, ग्रीन थ्योरम, स्टोक, गॉस एंड डाइवर्जेंस थ्योरम, देर एप्लीकेशन। तो देखो तीनों, 3 थ्योरम है इस पे, 3 थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ये भी आप यूजी में कैसी भी बुक हो आपकी उसको पढ़ना, आप ऐसे आपको ऐसा लगेगा कि आप जब आप पीवाई को देखेंगे तो लगेगा आपकी बुक से ही क्वेश्चन आ रखे हैं, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपकी बुक से क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो वो एग्जाम्पल के साथ सोल्व मिलेंगे आपकी बुक में, तो बस उसी से कवर करना है। और लीनियर प्रोग्रामिंग, अगर आपको आपकी बुक में जैसा भी पढ़ा है वहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपने सारा मैटर पढ़ा है सब्जेक्टिव, आपको यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव। तो अपने ऐप पे या लास्ट टाइम आप यूट्यूब से क्लास देखे किसी ने देख लेना, उसमें से अपन ने सिर्फ 6 क्लास डाली थी, उस 6 क्लास में से जितने भी क्वेश्चन आए थे, सिंपलेक्स से तो आए नहीं, जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे क्लियर हो गए थे, और 6 क्लास बोलने मतलब 3 घंटे का काम था, और 3 घंटे में इस बार LPP से 10 क्वेश्चन पूछे गए, तो यानी कि 3 घंटे में आपके 40 नंबर आ रखे थे, तो वो 6 क्लास से ही वापस डाली हुई है। और इस बार अपन सिंपलेक्स मेथड को भी पढ़ लेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलती से आ भी गया तो आपका वो भी कवर हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो कॉन्वेक्स सेट वाला पार्ट है, कॉन्वेक्स सेट, और मैंने आपको ऐसे होगा कि कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉनकेव फंक्शन के जो एग्जांपल अपन ने क्लास में देखे थे वही एग्जांपल आपको सेम टू सेम पेपर में मिले थे। तो ये वाला है फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर LPP, बहुत ईजी, आपने 12th क्लास में पढ़ा है तो वहाँ से आप कवर हो जाएगा, ग्राफिकल मेथड 12th क्लास में पढ़ा है। बस इंपॉर्टेंट चीज़ है एक तो कि ये फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कॉन्वेक्स सेट, एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि छोटा सा सिलेबस है, इंपॉर्टेंट सा सिलेबस। अब इससे अगर 5 क्वेश्चन से कम तो आने नहीं है, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सोच के देखो कि आप ये 25 से 40 मार्क्स कवर कर रहे हैं, और टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर, यानी कि आपको एक घंटे में 10 मार्क्स मिल रहे हैं। और इसके भी PYQ इजीली हो जाएंगे, आप UG वाले बुक से पढ़े, बट इसका थोड़ा सा मैटर अलग ये कि इन वाले सिलेबस में तो क्या होता है कि जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है, क्योंकि उनके आंसर लिखे ऑप्शन बन सकता है, बट इसमें थोड़ी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं, कॉन्वेक्स हल क्या होते हैं, हाइपरप्लेन क्या होते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी अपने ऐप पे एक ही इसके LPP की असाइनमेंट, बेसिक असाइनमेंट डाल दी गई है, बाकी और असाइनमेंट आपको होली ग्राउंड मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तो पूरा सिलेबस का एनालिसिस हो गया कि इसमें कैसे क्या सिस्टम बनता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो सब आप क्या करेंगे, PYQ सिलेबस देखेंगे तो आइडिया लगेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है। तो अगर किसी जैसे मोटे सब्जेक्ट की बात करें तो लीनियर और रियल 2 सबसे इंपॉर्टेंट मोटे टॉपिक है। इजी वाले में बात करें तो इजी वाले में सबसे इजी कॉम्प्लेक्स, LPP और OD, फिर आपका क्या बच गया, ग्रुप थ्योरी बच गया और रिंग थ्योरी बच गया और वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो एक टॉपिक आप यहाँ से कोई भी ले लो, तो अब यहाँ से ना कॉम्प्लेक्स को मत चूज करना, क्योंकि ये थोड़े फिर अलग से हो जाएंगे। तो ग्रुप थ्योरी और कॉम्प्लेक्स को एक साथ कर सकते हो, वेक्टर कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, LPP, OD, ये सब क्या कि इनके साथ में चलो, जैसे आप लीनियर प्लस OD पढ़ सकते हो, क्योंकि एक थोड़ा इजी टॉपिक ले लिया, एक थोड़ा टफ टॉपिक ले लिया। आप रियल
प्लस एलपीपी कर सकते हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कॉन्वेक्स और कॉनकेविटी आप एलपीपी में भी पढ़ लोगे, रियल में भी पढ़ लोगे, दोनों साथ में काम हो जाएगा। और वेक्टर कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों को एक साथ ही पढ़ना, क्योंकि वेक्टर में अपन बार बार इंटीग्रेशन का यूज करते ही रहते हैं, तो ये भी सिंपल सा काम है। तो कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, बताया ना आपकी बुक से देख लेना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये तो बात होगी कि अपन हो जाएगा काम की, लिख लेंगे पढ़ लेंगे, बट काम दिक्कत क्या आएगी कि नोट्स कैसे बनाने, रिवीजन कैसे करना है, और पीवाईक्यू सॉल्व करने कैसे, दिक्कत यहाँ पे आएगी। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू सॉल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए मैंने बता दिया कि आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाकी आप पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। अब क्या होगा कि सारे पीवाईक्यू ऐसे थे नहीं कि आपसे देखते ही सॉल्व हो गए, तो आप क्या करें, नोटबुक लें, उसके नोटबुक के लास्ट पेज पे जो जो चीज़ें आपको नई लगे ना कि भाई ये चीज़ मेरे लिए नहीं, उसको लिखते जाएं, लिखते जाएं, आपके जो जो नई चीज़ आती है उनको लिखते जाएं, ऐसे करके मैक्सिमम से 4-5 पेज फिल हो जाएंगे। जब आप दूसरी बार लिखेंगे, दूसरी बार क्वेश्चन सोल्व करेंगे या दूसरी बार उसका रिवीजन करेंगे, तो आपको लगेगा अब पेज पे जैसे कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट आ रही है, नई चीज़ आ रही है, उसको आप, ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अभिषेक अहर जो अब जिनकी JNU में 6th रैंक है, उन्होंने देखा था कि उन्होंने सेम स्ट्रेटजी अपनाई कि बैक साइड में लिखना, ताकि क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे मान लो किसी को नहीं पता कि इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, या उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता कि उस मैट्रिक्स की अपन प्रॉपर्टी यूज कैसे करते हैं, तो उसने लिख लिया, नेक्स्ट टाइम उसने क्वेश्चन करा वापस इस प्रॉपर्टी का यूज कर लिया, नेक्स्ट टाइम तो उसको कभी जब टाइम मिलेगा उसको मन करेगा ना कि देखते हैं इसकी एडमिशन मैट्रिक्स होती क्या, या फिर क्या होगा वो प्रॉपर्टी उसको याद ही हो जाएगी। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज में खुद से जरूर लिखें, क्योंकि खुद का लिखा हुआ आपको एग्जाम तक काम रहेगा। अगर आप ऐसे पीवाईक्यू पेपर सोल्व कर रहे हैं जैसे वीडियो देख लिया कहीं रफ रजिस्टर में निकाल लिया, तो आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि आपने पीवाईक्यू सोल्व कहाँ पे किए थे और कौन सा क्वेश्चन सोल्व किस मेथड से करा था। इसलिए लिखें जरूर, ताकि एक नोटबुक रहेगी, लास्ट में जब आपके एक वीक बचेगा एग्जाम में तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अगर ये नोटबुक मैं पढ़ लूँगा या ये 10-15 पेज पढ़ लूँगा तो मेरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। इसलिए ऐसा काम जरूर करें, साथ में लिखते जाएँ, लास्ट पेज पर लिखते जो नई चीज़ लगे उसको लास्ट पेज पर लिख लें, ताकि जब भी आपको टाइम मिले या वो बार बार रिपीट होगी तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी, जब टाइम मिलेगा तो आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को अभी डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करें, हाँ कुछ टॉपिक एक दो सब्जेक्ट आप डिटेल में कवर कर सकते हैं, पर अभी सारे करने लग जाएंगे तो 3 महीने में आपको पूरा सिलेबस भी नहीं होगा, ना रिवीजन होगा, ना नोट्स बनेंगे, ना पीवाई की सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि अभी आपको क्या करना है, CUET का एग्जाम क्रैक करना है, मास्टरमाइंड नहीं बनना है। उसके लिए आपके पास जब भी टाइम मिले उस टाइम आप एक एक चीज़ों को कवर कर सकते हैं। रिवीजन जैसे नोट्स बताया मैंने आपको, खुद को बताया रिवीजन एटलीस्ट आपका 3 टाइम्स होना चाहिए, 3 बार तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए, और वो 3 बार तभी हो पाएगा। जैसे मान लो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो अभी आपको कुछ चीज़ें समझ आएगी, कुछ नई भी समझ आएगी, कुछ नई लगेगी, कुछ लगेगी कि हाँ ठीक है हो जाएगा, पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पीवाईक्यू सॉल्व करें या कुछ टॉपिक पढ़े भी, बट आप उनको लिख लें, क्योंकि आप उनको राइट डाउन कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें ठीक है। उनको लिखते जरूर जाना, ऐसे हवा में मत उड़ाना, क्योंकि जब सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आपको लिखा हुआ होगा तो पढ़ने का मन करेगा, जब लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा तो पहली बार की जो मेहनत है वो वेस्टेज हो जाएगी। तो इसलिए खुद के नोट्स बनाएं और जो चीज़ नहीं आ रही उसको बार बार देखें, नई चीज़ लगे उसको बैक साइड के पेज पर लिख लें, तो आप ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इस चीज़ में अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की हेल्प की जरूरत हो तो आप @exponentialmathematics पर जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं, या इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे तो जो भी क्वेरी आएगी वो आपको बता दी जाएगी। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, कि इसमें अपने सारी चीज़ें देखी हैं, कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ों पर आपको डाउट आ सकता है। और अब एक चीज़ और कि स्कोर फॉर एडमिशन, आपका कितना स्कोर होना चाहिए, कट ऑफ क्या रहती है, तो कट ऑफ वट ऑफ गई अभी कोई मतलब नहीं है, 400 नंबर का पेपर है, आप टारगेट ये रखें कि 75+25 है, आप सबको JNU में जाना है तो सोचें कि आपको 60 क्वेश्चन है वो करेक्ट करने हैं इसमें से, और इधर 10, इतना टारगेट आप लेके चलें। जब आप ये लेके चलेंगे तो यहाँ पे आपके 50 होंगे, और यहाँ पे अगर आप 15 का टारगेट लेके चलेंगे तो 10 पे होंगे, तो इतने में आपका एडमिशन कोई नहीं रोकने वाला, आपका CUET में एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। बस आपको ये रखना है कि मेरे को 75 में से 60 क्वेश्चन करेक्ट करने आने, ये टारगेट रहेगा ना कि 75 में से मेरे को 60 सोल्व करने, 60+ ही करने हैं, और यहाँ पे मेरे को 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में सोल्व करने। अगर आप इतना कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 200 तक भी एडमिशन हो जाएगा, यानी कि अगर 50% आपका काम कर देते हो, यानी कि सिर्फ आधा सिलेबस आप सोच के देख रहे हो आधे में काम हो रहा है, जबकि अपने पूरा डिस्कस करा है, तो कोई इक्का दुक्का टॉपिक आपको लगे तो उसको स्किप भी कर सकते हो कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, उसको आप स्किप भी कर दो। बट ये तब है जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 60-75 में से 60 अटेम्प्ट करी और 20 गलत हो गए तो फिर गड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। हाँ इस बार थोड़ा सा ऑप्शन ज़्यादा इसलिए कि DU की जो 185 सीट है वो भी इसके थ्रू फिल करी जाएगी, बट वो स्टूडेंट भी बढ़ जाएंगे, तो इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहें। और जो आपने अभी ऐप पर डाले नहीं है जो CUET के जो PYQ है वो एज ए टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, तो उनमें प्रैक्टिस करें, तो आप कोशिश यही करें कि आपका इतना स्कोर तो होना ही चाहिए, 60+10 होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहे हैं, करने में इजी लग रहे हैं, पर सबसे दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत यहाँ पे आएगी कि टाइम आपका 2 घंटे का ये
इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसीलिए ऐप पे क्या करा गया है, इन सब चीज़ों को टाइमर के साथ शुरू करा गया है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि अपनी जो फैसिलिटी रहेगी वो सारी इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिलेगी, पीवाई की सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपको अलग से डिस्कशन ग्रुप भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और बाकी इसका डिटेल एक वीडियो और मिल जाएगा। और अभी क्या स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर उनको लैपटॉप पर भी एक्सेस करना है, तो ये सब चीज़ें आपको लैपटॉप पर भी एक्सेस हो जाएगी। जब आपके लिए बनी है तो आप क्यों नहीं एक्सेस कर पाओगे? तो कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और आई होप अपन ने हर चीज़ों को कवर करा है कि जहाँ कहीं भी कोई डाउट आए तो आप पूछें, सारी चीज़ें कवर करिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 महीने का टाइम है, ये सफिशियंट टाइम है। अगर अभी आप सोचने लग गए तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बिना सोचे समझे अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। सो थैंक यू।